अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम स्टूडेंट करेंगे साइबर सेफ्टी फ्रॉम डिजिटल सिटीजनशिप चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 96। और साइबर सेफ्टी से क्या मुराद है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साइबर सेफ्टी रेफर्स टू बीइंग सिक्योर ऑनलाइन एंड बीइंग अवेयर ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स सच एज वायरसेस फ्रॉड एंड अटैक्स सो दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी लिंक्ड विद इंटरनेट यूज़ कैन बी प्रोटेक्टेड। अब साइबर सेफ्टी क्या होती है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो अपनी क्या सेफ्टी करते हैं, आप बेल्ट बांध लेते हैं, ठीक है। जहाज़ बैठते हैं तो आपकी क्या सेफ्टी होती है, आप बेल्ट बांध लेते हैं, ठीक है। और जो आपको सेफ्टी मेजर्स वो बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे होने की सूरत में आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। बाहर चलते हुए आप अगर पैदल चल रहे हो तो आप अपने लेफ्ट साइड पर चलते हो, राइट साइड पर नहीं चलते, ताकि गाड़ियाँ जो हैं आपसे टकराएं ना, ठीक है। तो ये सारी सेफ्टी जब हम इंटरनेट पर बैठते हैं ना, तो समझ लो कि वो भी एक ट्रैवलिंग है जो हम कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट, या हम फ्लोट कर रहे हैं, हम सर्फ कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट। तो वहाँ भी हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी हिफाजत हो सके। अब हिफाजत हम फिज़िकली तो वहाँ मौजूद नहीं है, या हमारी बॉडी को तो कोई टच नहीं कर सकता, या हमें कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हम अगर इंटरनेट पर हैं तो वहाँ हमने अपने क्या दिए हुए हैं, अपने सारे क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, हमने अपना नाम, अपनी फ़ोटोज़, अपना तकरीबन घर का एड्रेस, अपने अकाउंट नंबर्स। देखिए लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को, हर तरह से यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया के तौर पर फेसबुक या इंस्टाग्राम, इसी पर लोग बैंक अकाउंट डिजिटलाइज हो गए हैं, लोगों के खाते जितने उनके अकाउंट्स हैं वो डिजिटलाइज हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज डिजिटलाइज हो गई हैं, सब इंटरनेट के ऊपर हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को बचाने के लिए ऐसे लोगों से कि उस पर कोई वायरस अटैक ना करे, या कोई उनके साथ फ्रॉड ना करे, या फिर उनको कोई और किसी किस्म की पोटेंशियल थ्रेट ना पहुंचे, यानी उनके अकाउंट्स में से कोई पैसे ना निकाल कर ले जाए हैक करके, तो इन सारी चीज़ों को साइबर सेफ्टी कहते हैं। अब ये साइबर सेफ्टी की समझ तो आ गई, लेकिन हम करें किस तरह इसको। बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी साइबर बुलिंग इज़ बिकमिंग मोर कॉमन अमंग यंगस्टर्स एंड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज़ वी मस्ट कन्फ्रंट द प्रॉब्लम एंड स्टैंड विद द विक्टम्स एज इट हैज़ सीरियस मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देम। अब पहले हम ये नो वाला जो एक ब्लॉक बॉक्स है वो उसको पढ़ लेते हैं कि लोग ना जब फेसबुक पर बैठे होते हैं तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, फिर वो मजाक उड़ता उड़ता जो है ना वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि अगला बंदा ख़ुदकुशी पर आ जाता है, वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है जो उसको नहीं उठाना चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत नरम दिल होते हैं, कुछ बहुत नाजुक दिल वाले होते हैं, कुछ बहुत जल्दी डर जाने वाले लोग होते हैं। तो वो लोग घबरा जाते हैं जब एक बंदे को सब लोग बुली करते जाएँगे, उसका मजाक उड़ाते जाएँगे, तुम तो यूँ हो, तुम तो वो हो, तुम तो ये अपनी शक्ल तो देखो, तुम ये तो देखो, तुमने ये वाला कमेंट क्यों किया, तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले, तो ऐसे फजूल की लड़ाइयाँ ना। तो अगर आप देखें कि फेसबुक पर ऐसा कहीं जहां आप भी उनकी कन्वर्सेशन में हैं, या आप उस पेज पर हैं और आपको लग रहा है कि किसी के साथ बुलिंग हो रही है या किसी के साथ ज़्यादती की जा रही है, इस तरह कोई ग्रुप मिलकर उसको तंग कर रहा है, तो आप स्टैंड करें उस विक्टिम के साथ, उसके साथ खड़े हों और रिपोर्ट करें फेसबुक के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उनका पीछे से जो जो भी आईटी को संभाल रहा है उसको, और फौरन करें ये काम, क्योंकि आप सेफ़ हैं, आपको तो वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो बंदा जो इस वक्त शिकार बना हुआ है उनकी सारी बातों का, वो यकीनन अपने साथ कुछ बुरा कर बैठेगा। तो अब चलते हैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ दोबारा, और देखते हैं कि हम कैसे कैसे अपने आप को सेफ़ कर सकते हैं इंटरनेट पर रहते हुए। तो प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग डाटा कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस नेटवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम पोटेंशियल डिजिटल थ्रेट्स एंड अटैक्स इज़ नोन एज साइबर सिक्योरिटी। ये तो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमारी सिक्योरिटी डाटे को, हमारे कंप्यूटर्स को, हमारी डिवाइसेस को हैक कर लें, हमारे नेटवर्क्स को हैक कर लें, या हमारे सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान पहुंचा दें और उसमें वो सारा सॉफ्टवेयर जो है ना तबाह हो जाए, एकदम से चले ही ना, ठीक है ना, क्रैश कर जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये साइबर सिक्योरिटी कहलाती हैं, अगर हम इनका ख्याल रखते हैं, उसको सिक्योर रखते हैं इन सारे अटैक्स से जो ऊपर हमने बात की है। साइबर अटैक्स आर डिज़ाइन टू हर्ट, डिस्ट्रॉय और डैमेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी किन चीज़ों की जाती है, और
साइबर अटैक्स किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि साइबर अटैक्स जो है ना वो इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं, एक बंदे को गुंडा बनाया इसलिए गया कि वो लोगों को जाके धमकियां लगाए, ठीक है ना, उसका काम ये। अब पुलिस क्यों डिज़ाइन की गई है, चोरों को पकड़ने के लिए। तो इसी तरह ये साइबर अटैक्स के जो वायरसेज हैं या एप्लीकेशन हैं ये इसीलिए डिज़ाइन की जाती हैं कि किसी को नुकसान पहुँचाया जा सके, किसी को तबाह किया जा सके, किसी के हार्डवेयर यानी उसके कंप्यूटर की हार्डवेयर जितने अंदर हार्डवेयर क्या होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, कंप्यूटर की वो चीज़ें उनको डैमेज कर दे, और या फिर उनके सॉफ्टवेयर को डैमेज कर दे, जो वो अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर जिसमें इतना सारा अकाउंट्स का डाटा है या उनके ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स हैं या उनकी कोई स्पेशल मीटिंग्स हैं या सीक्रेट डाटा है, उस सबको डैमेज कर दे, तबाह कर दे, और एज़ वेल एज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, स्टील मनी एंड डिसरप्ट बिजनेस प्रोसेसेस। और जैसे दो बंदों की डील हो रही है और तीसरा बंदा चाहता था कि वो डील उसको मिल जाती, वो टेंडर उसको मिल जाता, तो वो उनकी डील को क्या करेगा, ख़राब करेगा, या फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन को चोरी करके खुद उस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना के अगली पार्टी को दे देगा कम पैसों के साथ, ताकि उनकी डील ना हो सके, उनको नुकसान पहुँचे, या किसी के अकाउंट्स में से पेमेंट्स निकाल लेना, ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट्स निकाल देना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साइबर अटैक्स के अंदर शामिल है कि हमें किस किस तरह से नुकसान पहुंचता है और कौन कौन लोग हमें नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड हार्डवेयर। अब देखें, एक कंपनी इतने ज़्यादा पैसों के साथ खड़ी होती है, ठीक है, इतनी मेहनत होती है, इतने सारे लोग होते हैं और इतनी मेहनत से किसी कंपनी को ऊंची मुकाम तक पहुंचाया जाता है, तो एकदम से कोई एक बंदे की वजह से या एक ऐसे सॉफ्टवेयर की वजह से जो साइबर अटैक है पूरी कंपनी जो है वो क्रैश कर जाए या तबाह हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने लिए ऐसे बंदों को हायर करती हैं कि वो उनके लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स बनाएं, या फिर मार्केट में आए हुए महंगे तरीन सॉफ्टवेयर जो कि सिक्योरिटी बेस्ड होते हैं वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने नेटवर्क्स के अंदर वो जो है ना लिंक कर देते हैं, ताकि अगर बाहर से कोई अटैकर कोशिश कर रहा है अंदर आने की उस नेटवर्क के, तो उसको वहीं रोक दिया जाता है, ठीक है। वो आपको अलर्ट जारी हो जाएगा कि जी फलां फलां बंदा जो है ना, जिस तरह आप हार्मफुल अगर वेबसाइट खोलें तो आपको एक अलर्ट आ जाता है बॉक्स के अंदर कि ये इट कैन डैमेज योर डिवाइस, ठीक है ना, तो आप इसको यूज़ मत करें, इट कैन बी हार्मफुल, तो आप उस वेबसाइट को नहीं खोलते क्योंकि उसमें वायरसेस होते हैं और आपका सिस्टम आपको इस चीज़ के लिए वॉर्न करता है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम इनबिल्ट होता है बहुत सी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी, कंप्यूटर्स के अंदर भी, और इसके अलावा भी बाहर से कंपनियां जो है ना लाखों डॉलर देकर अपने लिए ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है, समझ लें वो एक चार दीवारी की मानंद होता है, किले की तरह होता है कि वो बाहर के किसी भी जो इंट्रूडर्स हैं या बाहर के हॉस्टाइल लोग हैं उनको अंदर नहीं आने देता और आपकी जो डाटा है जिस किस्म का भी वो सिक्योर रहता है। ये था हमारा पेज नंबर 96 और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ यूजिंग कंप्यूटर डिवाइसेस और कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स क्या क्या हैं, उसमें पोस्चर है, कार्पोरल टनल है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, कि हमें क्या नुकसान पहुंचता है अगर हम ज़्यादा टाइम कंप्यूटर के आगे गुजारते हैं। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा, होपफुली आपको अच्छे से समझ आएगी, अपना खूब ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह निगेबान।